नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आसाराम को आजीवन कारावास की मिली सजा। 2013 में नाबालिग युवती ने यौन शोषण का लगाया था आरोप। सहयोगी आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा। पुलवामा में कांग्रेसी नेता की गोली मारकर की हत्या। 2 सुरक्षा कर्मी हुए घायल। आतंकवादियों ने पटेल की गाड़ी पर किया था गोलीबारी से हमला। पुलिस ट्रेनिंग कैंप का हुआ समापन। अतिरिक्त महानिरीक्षक अपराध पी के सिंह रहे मुख्य अतिथि। एमआईए के मीणापुरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग कैंप में हुआ आयोजन। नकली सोने की ईंट बेचने वाले शातिर दबोचे। एमआईए पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। नकली सोने की ईंट की बरामद। स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने के 5 साल बाद जोधपुर की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने 2013 के इस मामले में बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद ही कोर्ट ने आज ही सजा का ऐलान भी कर दिया। नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2 दोषियों शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा भी सुनाई गई। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में 4.5 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम का फैसला आज सुनाया गया। मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें आसाराम को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। साथ ही सह आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फैसला आने के बाद आसाराम सिर पकड़कर रोने लगे। कोर्ट के अहम फैसले से यह तो साफ हो गया कि अब आसाराम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जज ने कहा कि आसाराम मौत तक जेल में ही रहेगा। न्यायाधीश मधुसूदन ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर केंद्रीय कारागार के अंदर अपना फैसला सुनाया। आसाराम इसी जेल में बंद है। इससे पहले आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने शिल्पी और शरद को भी दोषी माना, जबकि शिवा और प्रकाश को इस मामले में बरी कर दिया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे जज ने आसाराम, शिल्पी और शरद को सजा सुनाई। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शिल्पी शरद को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। किशोरी ने उन पर अगस्त में जोधपुर आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता मध्य प्रदेश में आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में 12वीं की छात्रा थी। साथ ही इसके अलावा आसाराम पर यौन उत्पीड़न के 2 मामले और भी दर्ज हैं। एक मुकदमा यहां राजस्थान में चल रहा है, जबकि दूसरा गुजरात में है। पॉक्सो में जो सेंटेंस प्रोवाइडेड है और जो इंडियन पिनल कोड में सेंटेंस प्रोवाइडेड है, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो माना जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसाराम को अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद से भी ज्यादा होती है। और 376 डी यानी कि गैंग रेप में भी आसाराम को जो है वो 20 अंतिम सांस तक की उम्र के लिए अंतिम सांस तक के लिए उन्हें जेल में ही रहने का जो है आदेश दिया है। 1,00,000 रुपए का वो भी दिया है। और जो भी सेंटेंस ये फाइन जो इम्पोज किया गया है वो टोटल फाइन अलग अलग हेड्स में 5,00,000 रुपए का होता है। जो आफ्टर रिकवरी दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी गिवन टू देयर विक्टिम फॉर सोलेस एंड ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट द लंडन ट्रायल कोर्ट हैज आल्सो गिवन अ डायरेक्शन टू द लीगल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपनसेशन टू द विक्टिम। 370 डी में भी उनको जो है 20-20 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। एंड द लंडन ट्रायल कोर्ट व्हाइल अवॉर्डिंग द सेंटेंस हैज टेकन नोट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द पॉक्सो एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर इन्फ्लिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस विच इज ग्रेटर इन डिग्री। यानी कि जो पॉक्सो में जो सेंटेंस प्रोवाइडेड है और जो इंडियन पिनल कोड में सेंटेंस प्रोवाइडेड है, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो माना जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसाराम को अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद से भी ज्यादा होती है।
आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह 2 सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में है। उनके खिलाफ आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश रचने और यौन उत्पीड़न समेत कई अन्य आरोप लगाए गए। पुलिस द्वारा 6 नवंबर 2013 को पॉस्को, किशोर अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आसाराम और 4 अन्य सह आरोपियों शिल्पी, शरद, शिवा और प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को कांग्रेस के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उनके 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हालांकि पहले कहा था कि गुलाम नबी पटेल सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता था, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पटेल को कांग्रेस नेता के रूप में पहचान की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलवामा के राजपुरा चौक में आतंकवादियों ने पटेल के वाहन पर गोलीबारी कर उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण पटेल की मृत्यु हो गई, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों इम्तियाज अहमद और बिलाल अहमद का इलाज चल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर कहा कि राजपुरा में आज आतंकवादियों द्वारा मारे गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएन पटेल के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। ऐसी कायराना हरकत से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन एक परिवार तबाह हो गया है। अलवर के एमआईए थाना अंतर्गत मीणापुरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज करीब 500 परीक्षार्थियों का बैच का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस पीके सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में परीक्षार्थियों ने पीके सिंह को सलामी दी और परेड का भी आयोजन किया गया। वाली है सुबह अलवर के इस शानदार परेड ग्राउंड पर ये शानदार परेड का आयोजन जोरदार तालियों से पुलिस को सलामी दी है किया जाता है। इंदौर विश्व में सामान्य पुलिस व्यवस्था, संविधान, दंड न्याय अधिनियम, स्थानीय और विशेष। जय श्रीमान। दीक्षांत परेड संपन्न हुई, निष्कुल ग्रहण की आज्ञा प्रदान करें। वहीं बटालियन द्वारा अलग अलग कर्तव्य भी दिखाए गए, जिसमें मुख्य रूप से आग के गोले के अंदर से निकलना सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। अंत में मुख्य अतिथि अतिरिक्त महानिरीक्षक अपराध पीके सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया जो परीक्षार्थी पास हो गए हैं उनको अपने अपने तरीके से अपराध रोकने की बात कही और एक सच्चे और ईमानदार पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करने की नसीहत दी। नहीं, दीक्षांत परेड समारोह आज जो यहाँ पुलिस के प्रशिक्षकों का था वो बड़ी लंबी ट्रेनिंग के बाद समाप्त हुआ और उनको इंडोर की, आउटडोर की, अलग अलग विषयों की जो ट्रेनिंग दी गई है बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और आज जो परेड जो उन्होंने दिखाई है मैं बिल्कुल अव्वल दर्जे की, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था परेड, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। और उसके बाद जो उन्होंने कौशल प्रदर्शन दिया और जो इंडोर आउटडोर में बच्चों को इनाम मिला वो भी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का था, बड़ी अच्छी लगी। और मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत से परेड की तैयारी की गई है और जो फंक्शन किया गया बहुत अच्छा। जैसा आपने बताया अपराधी नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं और नेचुरली कम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर, सब तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पुलिस भी उसी तरीके से तत्पर है, तैयार है, अलग अलग अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो या फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात हो, बैंक फ्रॉड्स की बात हो, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल तत्पर हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं भी जुर्म हो तो जुर्म करने के पहले तो पकड़ना मुश्किल है जब तक कि जानकारी नहीं आ जाए, पर जुर्म करेंगे तो उनको अवश्य। से अलवर जिले के अंदर 2 तारीख को जो भारत बंद का आंदोलन हुआ था उसमें कलेक्टर साहब ने पुलिस को दोषी ठहराया है, उसमें ये कहा है कि पुलिस पहले से तैयार नहीं थे, सर इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये तो वो बता पाएंगे क्योंकि उनकी बात आप कह रहे हो, ये वो बता पाएंगे जी। इस दौरान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट यशपाल त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया और ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश शर्मा ने किया।
कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा। तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से एवं उनके जीवन व संपत्ति की ईश्वर मेरी सहायता करें। जय हिंद। फॉर्मेशन में निकली पुलिस बैंड की धुन के साथ कभी ट्रुथ मार्च कभी स्लो मार्च के साथ आपके समक्ष पूरे प्रशिक्षण का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तम सेवा। मालाखेड़ा क्षेत्र के भड़कोल गांव में काली पहाड़ी के बाद सिवाचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को तहसीलदार और पुलिस जाप्ते ने जेसीबी से ढाह दिया। इस दौरान कई पक्के मकान तोड़ दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश की पालना के तहत यह कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में बेघर हुए पीड़ित परिवार रोते बिलखते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़कोल के गांव काली पहाड़ी में सिवाय चक और गैर मुमकिन पहाड़ जमीन से हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में मालाखेड़ा तहसीलदार मिथिलेश मीणा ने पुलिस की मौजूदगी में प्रभाती यादव के पुत्र भागचंद और फूलचंद तथा मुखराम यादव राम खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। काली पहाड़ी गाँव में सिवाय चक भूमि पर मजदूर तबके के इन लोगों ने मकान बना लिए थे। इस पर स्थानीय एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर मामला दर्ज करवा दिया, जहां जांच पड़ताल के दौरान यह सामने आया कि यह भूमि सिवाय चक गैर मुमकिन पहाड़ में है। इस पर हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर को अतिक्रमण मुक्त करवाने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर के आदेश हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना में मालाखेड़ा तहसीलदार ने अतिक्रमियों को कुछ माह पूर्व नोटिस भी जारी कर दिए और मकान हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान वादीगण द्वारा हाई कोर्ट में उनके निर्देशों की पालना नहीं होने के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर मालाखेड़ा तहसीलदार पुलिस बल के साथ बुधवार को काली पहाड़ी गांव पहुंचे और मौके पर पक्के मकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया और तीन मजदूर श्रमिक लोगों के घर परिवार बेघर हो गए और उनका सामान घरों से बाहर फेंक दिया गया। मकान तोड़ने से लाखों रुपए का सामान भी नष्ट हो गया। खाने पीने का तथा अनाज तक उसी में दबकर खराब हो गया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि हमें समय नहीं दिया गया, यहां से अतिक्रमण हम खुद हटा लेते और हमारा सामान भी बच जाता, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे। इस दौरान महिलाएं रोती और बिलखती हुई नजर आई। सांचौर माखूपुरा चेक पोस्ट पर बुधवार सुबह बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक के जिंदा जल जाने की खबर है और 5 गंभीर लोग घायल हो गए। घायलों को सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर से सूरत चलने वाली मालीनास ट्रेवल्स की बस माखूपुरा चेक पोस्ट पर पहुंची थी कि सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। सूचना मिलने पर सांचौर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया और बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड के निकट जैसावास के ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। इस दौरान उन्होंने भारत और रिमझिम कंपनी द्वारा लगाए गए ड्रिप संयंत्र जो समय से पूर्व खराब हो गए लेकिन कंपनी द्वारा ठीक नहीं कराए गए, बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके चलते उद्यान विभाग निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कई बार कंपनी के अधिकारियों से मिले परंतु कोई समाधान नहीं किया गया। करीब 20 लोगों के यहाँ यह यंत्र लगाए गए थे जो सभी खराब पड़े हैं। किसानों ने बताया कि सहायक निदेशक उद्यान जालौर को ज्ञापन भी दिया गया था लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ज्ञापन दिए गए 5 महीने बीत गए लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
इस मामले में किसानों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कार्यवाही करने के लिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसका भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। वहीं संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही। 20 किसानों ने 2 साल पहले ड्रिप लगाई थी भारत और रिमझिम दो कंपनियों की, 2 साल के बाद में वो खराब हो गई है, कोई काम नहीं आ रही, खराब पड़ा पूरा पूरा माल। उसके बाद में हमने उद्यान विभाग झालौर में जाकर के शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन आज दिन तक 5 महीने हो गए शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आज तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, और कंपनी से कोई भी आदमी हमारे पास अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया है। जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान किया जाए। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। आसाराम को आजीवन कारावास की मिली सजा, 2013 में नाबालिग युवती ने यौन शोषण का लगाया था आरोप, सहयोगी आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा। पुलवामा में कांग्रेसी नेता की गोली मारकर की हत्या, 2 सुरक्षाकर्मी हुए घायल, आतंकवादियों ने पटेल की गाड़ी पर किया था गोलीबारी से हमला। पुलिस ट्रेनिंग कैंप का हुआ समापन, अतिरिक्त महानिरीक्षक अपराध पी के सिंह रहे मुख्य अतिथि, एमआईए के मीणापुरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग कैंप में हुआ आयोजन। नकली सोने की ईंट बेचने वाले शातिर दबोचे, एमआईए पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, नकली सोने की ईंट की बरामद। स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।